Ya Rasulallah, yaşay Medine, yaşay Medine. Pehla concept jo tha, wo tha ke jo kamalate ilahi, yani ke divine perfections, तजल्ली के जरिए उनकी तजल्ली होती है। तजल्ली में कॉन्सेप्ट है, तजल्ली में कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज अदर देन द सोर्स, यानी कि मैं बोलता हूँ तो मेरा इजहार होता है ना, वरना वो ख्यालात मेरे ध्यान में तो हो सकते हैं। तो कमालात अभी छुपे हुए थे, फिर वो जो डिवाइन एनर्जी है या पावर है जिसके तहत वो फिर इजहार होता है, तो डिवाइन इसको इसके मुख्तलिफ ट्रांसलेशन से भी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, वो भी हम देखना चाहिए। और फिर तो दुनिया में इजहार होता है आलम में, यानी कि खल यानी कि क्रिएटेड वर्ल्ड से ऊपर भी दर्जे हैं, वो तो बहुत तादाद है। टाइम हुआ तो एक पावर पॉइंट हमारे पास है, एक स्लाइड वो हम जस्ट तो उस पर फिर अलग सेटिंग कर लेंगे। पिछली बार लास्ट वाला जो था वो कमालात थे इन द क्रिएटिव वर्ल्ड, नहीं उसी को क्लेरिफाई कर रहा हूँ ना, उसमें वो प्रॉब्लम थी, वो क्लियर नहीं थी, मैंने जो बात की थी इसलिए मैंने सोचा इसको दोबारा देखना पड़ेगा। वो ऑन द गो कर रहे थे ना, उन्होंने कहा कि कमालात इलाही इस दुनिया में तजल्लियात के जरिए जाहिर होते हैं और उन तजल्लियात को गुरुकार लाने के लिए ये रियलिटी है। तो कमालात इलाही तो डिवाइन परफेक्शन है ना, विच आर मैनिफेस्टेड इन द वर्ल्ड। तो ये इसमें तसी होता है, उस दिन मैंने इन कमालात को यहाँ रख दिया था, वो गलत था। कमालात इलाही जिस तसल्लुफ के जरिए, इस तरह उन्होंने कुछ कहा था ना, कमालात इलाही इस दुनिया में तजल्लियात इलाही के जरिए जरूर पजीर होते हैं, यानी कि इस दुनिया से पहले एक स्पिरिचुअल रेल्म में मैनिफेस्टेशन होती है। आप ऐसे भी अब यह है कि कमालात इलाही इस दुनिया में तजल्लियात इलाही के जरिए जरूर पजीर होते हैं, तो ये इसका एक सिंपलर वर्ड में हमने लिखा भी था कि कमालात तजल्लियात और आलम, यानी कि नॉर्मली ना दो चीजों को जोड़ने के लिए हमेशा एक तीसरी चीज होती है, ये भी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना, इंसान अल्लाह ताला को इंसानों से जोड़ने के लिए नबी की जरूरत होती है, हर मतलब कि हमारे जिस्म को हमारे रूह से जोड़ने के लिए हमारे नफ्स की जरूरत होती है, यानी कि ये हर जगह आपको मिलेगा। तो कमालात इलाही इस दुनिया में तजल्लियात इलाही के जरिए जरूर पजीर होते हैं, ये तजल्लियात जिस तसर्रुफ इलाही का नतीजा होते हैं। अब इसमें फिर एक फर्दर डिविजन की है, if the divine perfections and the power which deploys them and then subsequently sirme to isme beshumar darje hain, ye moti moti jo baat kar rahe hain isme hissa is kar rahe hain, ye tajalliyat jis tasarruf pe ilahi ka natija hoti hai usse allah taala ki tajalli kehte hain, the and divine power and energy which deploys or which create the divine manifestations. वरना कि अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली तूर पे की तो जो है मूसा वो बेहोश हो गए, तजल्ली यदि कुरानिक कॉन्सेप्ट है कि अपना है ना, तजल्ली का मतलब एक कोई कोई मैनिफेस्टेशन इन्फिनिट चीज तो नहीं, मतलब वो हो ही ना सकता कि वो तो नहीं अपने आपको इजहार कर सकता ना, उसका कोई जैसे इन्फिनिट कलर्स तो आप देख नहीं सकते, वो एक साथ हो भी नहीं सकते,
तो लाल रंग दिखेगा, पीला रंग दिखेगा, वो उसी की तजल्ली है ना, उस कलरलेस लाइट की. दीज आर डिफरेंट प्रोफेशन विद इन लाइट. वो जो लाइट के मुख्तलिफ वो है तजल्लियात. वो तजल्लियात कल आप वो ले लें सिंबल. फिर वो भी प्योर लाइट ही है. जब वो किसी चीज पे पड़ेगी तो कुछ फॉर्म आपको नजर आएगी, तो वो फिर दुनिया में आ गई. अब वो कोई एनर्जी है ना जो उसको प्रोजेक्ट कर रही है, तो वो एनर्जी तजल्ली है. तो उस पर गौर कर सकते, करना चाहिए ना. ये भी सजेस्ट कर रहे हैं, इनका तो एक्सपीरियंस है. वो इंसानी जबान में शायद कहा भी नहीं जा सकता. तो बुजुर्गों ने तरह तरह से कहा था. आगे एक और बड़ा खूबसूरत बुजुर्ग का कॉल आएगा. तो ये पहला पॉइंट था जो मतलब आई एम जस्ट समराइजिंग द कॉन्सेप्ट शी हैज डिस्कस्ड. व्हाट इज द तदल्ली? इट इज डिवाइन व्यू का मतलब है. तो तरह तरह से भी करेंगे. फर्स्ट तो हो गया ना, तदल्ली का बात हो गई. दूसरी बात करते हैं. दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी खूबसूरत बात थी. मैं रिवाइज कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ. अगर ये आलम कसरत है, आलम कसरत जो हमारी दुनिया है, ये मल्टीप्लिसिटी की दुनिया में चीज़ें अलग अलग है. बिकॉज थिंग्स आर डिफाइंड बाय फॉर्म एंड द क्वालिटी ऑफ फॉर्म इज दैट इट सेपरेट्स. कसरत पैदा करती है. तो इसमें तो मिलियंस ऑफ थिंग्स हैं, मगर उन्होंने कहा कि ये एक पर्दा है. इस पर्दे के पीछे वो तदल्ली है. और फिर उन्होंने उसको, मैं समराइज ही कर रहा हूं कि वो जो तदल्ली है, इट्स अ यूनिटी. इट इज लाइक कलरलेस लाइट, यू कांट मेक आउट. इट्स अ यूनिटी. और वो बसीत है. बसीत यानी कि सिंपल है, यानी कि इट इज नॉट कंस्ट्रेंड बाय एनी फॉर्म. तो ये दूसरी पॉइंट उन्होंने बताया कि वो जो तदल्ली है, इट एनवेलप्स द होल ऑफ क्रिएशन. सो द क्रिएशन इज लाइक अ बबल सराउंडेड बाय स्पेस. ये सेंस आता है. ये भी खूबसूरत था. और इसमें मैं उसको समराइज करूं तो ये वाहिद है और ये कसरत है. यूनिटी एंड मल्टीप्लिसिटी. इससे अगला क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम समझ आ जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट कंस्ट्रेंड. दिस लाइट इज नॉट कंस्ट्रेंड बाय एनीथिंग. इट इज तीसरा. अब इसी सिचुएशन में अब वो आरिफ को डाल रहे हैं, द वन हु नोज. अब ये आरिफ है, ये अपनी रूह की आंख से जो तदल्ली है उससे वो रास्ता पैदा कर लेता है. अब ये फाइनिट्यूड में ना, तो वो और कहता है उसके अंदर वो, अभी पढ़ लेते हैं. ये है ना पेज 60 पे. अभी इसके पीछे एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं लगता है वो इसके बाद आ जाएंगे, क्योंकि अब ये थर्ड पॉइंट जो है ना इससे जॉइन था. जो आरिफ, आखिर सेकंड लास्ट लाइन है, जो आरिफ इस तदल्ली के जरिए ज़ाते हक से वासिल होता है, वो अल्लाह ताला के इरादे और इख्तियार के सिवा और किसी चीज़ को नहीं जानता और यूं महसूस करता है गोया एक दरिया है ना पैदा किनार है जिसमें वो डूबा हुआ है. फारसी में दरिया समंदर को कहते हैं. तो ये दरिया नहीं है, समंदर है. और ना पैदा किनार यानी पैदा फारसी में कहते हैं ढूंढना किसी चीज को जिसका कि आप सिरा पा ही नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते. इट्स एन इनफिनिट व्हिच गोज परफेक्टली द कांसेप्ट व्हिच कम्स टू माइंड इज पावर इनफिनिटी बिकॉज़ इट इज समथिंग डिवाइन बिकॉज़ इट्स द डिवाइन एनर्जी. तो देयरफॉर इन अ सेंस ही इज टैपिंग इनटू डिवाइन एनर्जी. इसलिए वो जो पीछे गुजरा ना, अब मैं आपको पीछे जाना है, जो आखिरी सेंटेंस है पिछले पेज का, तो ये सारी बातें समझ आ जाएंगी. उस वक्त मैं समझा कि यही वो तदल्ली है कि जब आरिफ इसकी तरफ मुतवज्जो होता है
और अपनी चश्मे रूहानी से उसे देखता और उसके अंदर गुम हो जाता है, तो आरिफ की तासीर और उसकी रुश्त और हिदायत की कुव्वत बहुत बढ़ जाती है और राय हक में हक की खातिर उसका तसर्रुफ करना जायज होता है। तो ही सॉर्ट ऑफ हैज दैट पावर, डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाता है, तो इस दुनिया में उसमें प्यार भी आ जाता है। तो आज पर फिर इसमें हमने थोड़ा छोड़ा, वो हम आएंगे फोर्थ पॉइंट की तरफ, और जो हमने अभी लाइन पढ़ी थी, और वो यूं महसूस करता है, एक तो ये कि उसमें गुम हो जाता है या उसमें वो वासिल हो जाता है, जाते हक यानी कि अल्लाह ताला से ही वासिल हो जाता है, वो अल्लाह ताला के इरादे और इख्तियार के सिवा और किसी चीज को नहीं जानता, और यूं महसूस करता है गोया एक दरिया ना पैदा किनार है, इन्फिनिट ओशन है जिसमें वो डूबा हुआ है। तो वो यानी कि बहुत इंसानियत की मेराज है, that's the highest. So, फना और बका वो भी डिटेल है ना, वो उसी तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, वो तो शख्स ऑलरेडी प्योरिफाई हो चुका है, मनाजिल से गुजर चुका है। अच्छा, मेन असेंस बका की मंजिल हुई है, उसकी कोई एस्पेक्ट हुई। बका में होता है कि आप कॉन्शियस हैं और आप लोग जो भी आई डोंट नो पढ़ाई है फना में ये है कि ओनली गॉड है, वल्लाह आलम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, तो लफ्ज ही है वो, हकीकत तो बुजुर्गों के कॉल ही पढ़ने से मिल जाएगा, मगर ये है कि ये शायद बका के ज्यादा करीब है। फना में उसको पता चल जाता है कि जो मेरी इंडिविजुअल सेल्फ है इन अ सेंस इट्स नॉट रियली देयर, जब इमेज को पता चल जाए कि मैं इमेज हूँ, तो फिर जिस चीज की इमेज है वो उस पर सारा फोकस होता है। So for it, it's that's the only the object, ultimate reality, objective reality is God. दो ही बात है ना कि मैं हूँ और फिर चीजें हैं, तो जो मुझसे उस तरह से, और बका में क्या है कि वो जो सेल्फ है उसकी, चाहे वो रिफ्लेक्शन ही है मगर एक आइडेंटिटी भी तो है ना। क्योंकि अल्टीमेटली तो हर एक्शन खुदा के ही विल से और उसी के रिफ्लेक्शन है ना, बट हम कॉन्शियस नहीं है तो कैसे है, इट गोज थ्रू आवर विल। वरना तो शिर्क हो जाएगा ना इबादत का, तो ये इसलिए कुरान में और हदीस में और सारी चीजों में उसका इजहार हो जाता है, क्योंकि दैट्स द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, इसको खुल के नहीं कहते, मगर एसोटेरिज्म या तसव्वुफ या रूहानियत इसी का नाम है हकीकत का। तो उधर है उसकी बुनियाद जो हमारे फाउंडेशनल टेक्स्ट है उसमें है, जैसे आपने वो हदीस का जिक्र किया, जब मैं अपने बंदे को प्यार करने लगता हूँ तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, ये वही तकरीब बात हो गई ना, वही आपके वही कह रहे ना डिवाइन पावर, ये वही बात हो गई आपके कहने, वो जो वे है वो सारे वो बीच से चीजें हट गई, तो वो तो अभी भी वैसे ही है, लेकिन अभी आगे आएगा कि when the mystic reaches the end, अब उसके आने लगे, तो he realizes कि he never left it, वो तो एक ray of light है ना, जो जैसे अभी सितारे हैं वो हमें मिले जो thousands of years old दिख रहे हैं, वो तो वही है, तो एक time and space में एक खेल है ना, कि वो लाइट का ये खूबसूरती है, एज अ सिंबल लाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, कि वो इधर से सोर्स से लाइट आई और यहाँ रिफ्लेक्शन बना, तो अपनी जगह वो है भी, मगर अल्टीमेटली तो वो सोर्स हकीकत तो उसकी है ना। तो जब इधर से वो शुरू हुआ था, अगले वाला जो कॉन्सेप्ट है अन्नहाया फिल बदाया अंदराज अन्नहाया फिल, the nihaya, when it is the end, he finds out that this is the beginning. Oh, this is the source. Kyunki
हम अपनी सोर्स से नहीं जुड़े होंगे तो उसी वक्त हम हो ही नहीं सकते. इसलिए बार बार हो रहा है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वी आर फ्रॉम गॉड मुझे भी बार बार पढ़ने से थोड़ा क्लियर हो रहा. अब ये जो हम एक स्किप कर गए थे पेज 60 पे, एक और आइडिया था जो भी, वो भी मैंने गलत था, हमने रिप्रेजेंट किया था, इन्होंने ठीक डायरेक्शन पे डाला था. उसको पढ़ता हूँ फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ. इस तदल्ली के, क्योंकि अब हम देखे ना तदल्ली का डेफिनेशन वो पिछले कर दिया था, कमालात तदल्ली और खल्क. तो ये तदल्ली यहाँ पे है ना, तदल्ली को वो ये कहते हैं कि इस तदल्ली के दो रुख हैं. इसका एक रुख तो वजूद खारजी के मुकाबल होता है, उसको यूं समझिए कि गोया एक रंग है जो अलवाह नफूस के अंदर जमा हुआ है, इसका नाम नूर है. और इस तदल्ली का दूसरा रुख वजूद जहनी के मुकाबल है, और ये सादिक आता है ज़ाते हक पर, और इसको इस्म या तदल्ली कहते हैं. इसमें कुछ चीज़ें आई एम श्योर मैं बिल्कुल मिस कर रहा हूँ, ये जैसे जैसे वो आपने भी जो चीज़ें बताई जब उनको आप पढ़ेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा, मगर अभी तक इतना समझ आया वो मैं आपसे शेयर वो आप इस तदल्ली पे मजीद डिटेल बता रहे थे कि दो रुख हैं, एक बेसिकली डिवाइन और एक क्रिएटेड से जिसका ताल्लुक है. वजूद खारजी से यहाँ मुराद है कि अपार्ट फ्रॉम गॉड. Yes. Existence which is other outside God, so to speak. उसको वो नीचे आ गया ना. And the दूसरी is वजूद ज़हनी, उसको उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो मुकाबिल है ना, उससे थोड़ा सा और बात आती है, मगर अभी कॉन्सेप्ट मेन मुझे लगता है यही है, नफ्स और नूर. क्योंकि वो जो इंदिराज नहाया वाली बात आएगी ना, वो ये इसी के इलस्ट्रेशन में है, तो इसमें से ये बात जरूरी है कि एक डिवाइन है लेवल और एक क्रिएटेड है. तो दोनों में असल में तदली तो डिवाइन ही है, मगर दोनों रेल्म्स में है ना. इधर हम वैसे तो क्रिएटेड हैं मिट्टी पानी के बनने में, मगर हमारे सेंटर में जो रूह है वो तो डिवाइन है. उस तरह से उसकी एक मैनिफेस्टेशन विद इन द क्रिएटेड ऑर्डर है और एक मैनिफेस्टेशन विद इन द माइंड ऑफ गॉड है. सो विद इन द माइंड ऑफ गॉड रहने अंदर फिर और हिस्से हैं ना. एग्जैक्ट इज द एसेंस, देन तदल्ली जो भी बात हो रही है उसमें इसम जो है ये इम्पोर्टेंट है. द नेम्स ऑफ गॉड आर द सोर्सेज ऑफ ऑल क्रिएशन. Each creation is rooted in some name of God. Name of God से जिसमें आप सिर्फ ये सब aspects of God. Attributes. तो वो उस मानों में इसम आ रहा है ना. तो और इंसान इसलिए जमा हुआ का है created order में नूर और जो law और law यानी के passive है soul as opposed to the spirit. उसका सिंपल है ना कि तख्ती है जिस पे डिवाइन पेन लिखता है. इधर टू एस्पेक्ट्स ना, वन पैसिव एंड वन एक्टिव. द डिवाइन पेन इज द सिंबल ऑफ द डिवाइन इंटेलेक्ट और द डिवाइन स्पिरिट. और तो वही सारा जो इसमें वो जो मैक्रो कॉस्मिक होता है वो हमारी सोल्स में भी है कि हमारी सोल्स है उसमें जो डिवाइन नूर है वो तदल्ली का एस्पेक्ट है ना, डिवाइन एस्पेक्ट उस मैट्रिक्स में पेश किया है. अब मैं इसको पढ़ूंगा तो आपको शायद ज्यादा समझ आएगा. इसका एक रुख तो वजूद खारजी के मुकाबले होता है, उसको यूं समझिए कि गोया एक रंग है जो अलवाह नफूस के अंदर जमा हुआ है, उसका नाम नूर है. अब देखिए ना, नूर के साथ रंग भी आ गया. रंग का मतलब रंगा रंग, हम अलग अलग लोग हैं ना,
The tablets of souls. Tablets of souls, meaning. ठीक दाम है देगा लॉ से है ना लॉ हो कलम है ना लॉ कलम डिवाइन हकीकत डिवाइन लेवल पे माने जाते हैं हमें समझाने के लिए उन्हें ऐसे कॉन्क्रीट सिंबल्स दिए कि हम उन्हें फिजिकल सोचते हैं मगर असल में वो डिवाइन इंटेलेक्ट के दो पहलू हैं एक एक्टिव और एक पैसिव खैर वो कॉस्मोलॉजी है वो फिर हम वो खुद ही इन पेजेस में खुद ही चल जाएगी तो उन्होंने कहा उसको यूं समझिए कि गोया एक रंग है जो अनवाहे नफूस के अंदर जमा हुआ है उसका नाम नूर है और इस तदल्ली का दूसरा रुख वजूद ज़हनी के मुकाबले है जमा हुआ है इसका नाम नूर है तो नूर यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये उससे यही मतलब समझे कि जैसे नूर की बात कम करते हैं या कि ये नूर है कोई और डेफिनेशन डिवाइन है नूर के किरण है ना यानी कि नूर हमें बात ही नहीं हो सकती ना मगर क्योंकि ये यानी कि सिंबल्स है ना जैसे वो जो सूरत नूर में आयत नूर भी उसमें भी नूर नाला नूर की बात है वाओ वो दो किस्म के नूर है एक जैसे वही का नूर है और एक रूह के अंदर एक वही का नूर है और एक रिसेप्टिव जो हमारे हमारे अंदर एक नूर है अच्छा उसमें मतलब है उसकी क्योंकि वो मिस्टीरियस आयत है उसमें बहुत बुजुर्गों ने बहुत बात की है वो जाहिर है सभी सही है क्योंकि वो ऐसा सिंबल है सिंबल का में तो बहुत मुसत होगी इससे रिलेटेड जो है बात मुझे याद आती है कहीं मैंने जो बुजुर्गों की पढ़ी है वो ये है कि जो जो क्लेंस सोल है ना उसमें भी एक चमक है जो कहते हैं ना कि इट शाइन्स ऑफ इट्स ओन जो उसका ग्लास है क्योंकि आयत शुरू तो अल्लाह ताला की नूर से होती है फिर वो कहते हैं कि वो उस नीच में पाई जाती है तो लोगों ने कहा कि वो जो नीच है वो हमारा जिस्म है क्योंकि नीच एक गारे मिट्टी का बना हुआ है उसमें एक लैंप है लैंप में एक शीशा है फिर इस तरह सितारे दिए हैं मुझे इतना भी याद नहीं है मगर उसमें ये कॉन्सेप्ट जरूर है कि जो एक नूर है वो जैसे आप कह रहे हैं वो सोल का अपना नूर है वो भी तजल्ली अल्लाह ताला की तरफ से उसमें ये आईना है ना हम नॉर्मली गंदा होता है जब आईने को साफ कर ले तो चमक जाता है although it's not divine as such but its purity and its reflectiveness is obviously a very faint reflection of divine splendor but the spirit inside is divine तो वो नूर अलग नूर होगी इस तरह मैंने सुना इस explanation it sort of parallels this and what you were suggesting इस तदल्ली के दो रुख हैं अब ये इससे पता चला कि ये वही डिवाइन रियलिटी की बात हो रही है ये कोई क्रिएटेड चीज की बात नहीं हो रही इसका एक रुख तो वजूद खारजी के मुकाबले होता है यानी कि क्रिएटेड जो है उसको यूं समझिए कि गोया एक रंग है जो अनवारे नफूस के अंदर जमा हुआ है उसका नाम नूर है क्योंकि हम अलग अलग रंग है ना उस कलरलेस नूर के अलग अलग हम तो दोनों कॉन्सेप्ट आ गए ना इसमें और ये कि वो नफूस के अंदर जमा हुआ है उसका फिर महल या उसका लोकेशन भी पता चल गई कि हमारी बात हो रही क्रिएटेड टर्म की बात हो रही है मगर उस तदल्ली का एक मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर है वरना हम वो ही ना असल बात ये कि समथिंग डिवाइन हैज टू बी हियर अदरवाइज दिस सीज दिस और उस तदल्ली का दूसरा रुख
वजूद ज़हनी के मुकाबले में। उसको दानिश ने समझाया कि इसका मतलब यह है कि वो जो डिवाइन इंटेलेक्ट या डिवाइन लेवल की बात, और इसको जो कह रहे हैं मुझे अभी उसे और तरह समझ आएगा। इसको वो एनालॉजी हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आई वॉज गेटिंग कंफ्यूज। नॉर्मल जबान में जो इस्तेमाल करती है मेरे ख्याल में वैसे ही समझ रहे हैं कि जब हमारे ट्रेडिशन में फिलोसॉफिकली बात करते हैं तो एक दुनिया कहते हैं आलम खारिज, जिससे मुराद होती है तो हमसे बाहर है, द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड अराउंड अस। दूसरे कहते हैं आलम ज़हनी या आलम उसको दाखिली कहते हैं और कभी ज़हनी भी कह सकते हैं। तो एनालॉजी बनाई है कि रियलिटी विदिन अस एंड रियलिटी आउटसाइड अस, उसको पैरेलल के तौर पर इस्तेमाल किया और इस तरह देखें तो शायद और बेहतर। इसका एक रुख तो वजूद खारजी के मुकाबले होता है, उसको यूँ समझिए कि जैसे हमें कुछ अंदर है कुछ बाहर है, तो ये खुदा के वजूद के हवाले से कुछ डिवाइन रियलिटीज हैं कुछ क्रिएटेड रियलिटीज हैं, ये इस तरह मुझे लग रहा बात हो रही है। और इस तदलजी का दूसरा रुख वजूद ज़हनी के मुकाबले है, वरना इस लफ्ज़ मुकाबले का तो मतलब ही ना होता ना। एनालॉजी माइक्रोकॉज़म के लिए है कि हमारे अंदर हमारे बाहर मगर बात माइक्रोकॉज़मिक कर रहे हैं। और ये सादिक आता है ज़ाते हक पर, इसको इस्मिया तदल्ली कहते हैं। चुनाचा इसी बिना पर नक्शबंदिया के यहाँ इंदिराज अन निहाया फिल बताया है। ये तो बात हो चुकी है ना, एक बार फिर पढ़ेंगे। चुनाचा इस बिना पर नक्शबंदी बुजुर्गों ने फरमाया है कि आखिरी नुक्ते तक पहुंचने के बाद फिर पहले नुक्ते की तरफ रुजू करना पड़ता है, जबकि शायद असल बात यह है कि आखिरी नुक्ता जो है वो ओरिजिन में है, कि जब आप आखिर को पहुंचते हैं तो असल में आप ओरिजिन में पहुंच जाते हैं। इस अरबी को गौर से देखें, इंदिराज या निहाया, जब आप एंड पे दाखिल होते हैं तो वो फिल बदाया है, और बदी का मतलब होता है द मार्वेलसली ओरिजिनल। Each one of us is there, us are there different in God's properties are infinite. तो इसलिए अल्लाह ताला को बदी कहते हैं ना कि he never repeats himself. तो वो infinite जो भी वो points हैं, इसलिए बदाया beginning के लिए है। अच्छा ये वो नहीं है, बदी नहीं है, उसमें end आता है। निहाया होता है end और beginning। वो तो समझ आ गया निहाया। बिदाया फिर इस मानने, ये वो लफ्ज़ है, ये वो लफ्ज़ है जिसे मैं कह रहा हूँ। सो इन दैट सेंस द एंड इज इन द बिगिनिंग। वो आखिर में नीचे लिखा हुआ है कि आखिरी नुक्ते तक पहुंचने के बाद फिर पहले नुक्ते की तरफ रुजू करना पड़ेगा, ये पड़ता है। हाँ वो मैंने पढ़ी थी, ये है इंदिराज अल नहाया फिर बिदाया। तो वो हमने आखिरी सेंटेंस तो पढ़ लिया था, जो आरिफ इस तजल्ली के जरिए ज़ात हक से वासिल होता है। दैट्स इंटरेस्टिंग, इसी को फिर जो भी ये दोनों तजल्ली हैं तो इसको भी वो तजल्ली कहेंगे जाहिर है। तो वो फिर इस वाले पॉइंट ये और इससे रिलेट हो गया ना, एक क्लियर है मतलब कि इसको हम देखो ना, ये इसके जरिए से भी कई कॉन्सेप्ट है ना। पहले जनरल कॉन्सेप्ट है, फिर पर्टिकुलर है, फिर उसका और डिटेल है। नहीं तो बताओ है जी फरा, तो क्या कहती हैं आप, यहाँ कुछ कंफ्यूजन नजर आ रही है मुझे? बोर्ड सेक्शन नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकती। अरे पहले बोलना, नहीं अभी तो लेट हो, मैं कह रहा हूँ बातें होती नहीं है one by one. I mean, इस लिहाज से बात समझ आ रही है कि उन्होंने लिखा क्या है। अब उसकी क्या कहते हैं जो मतलब as an analysis बात समझ आ रही है, but as an experience obviously वो it's lacking. मैं फिर उसको अपने नजरिए से I'm difficult, if I find it difficult उसके अंदर कुछ add करना, but analysis में
समझ आ रही है? हाँ नहीं, अभी तो मैं सिर्फ समरी पेश कर रहा हूँ, मैं उसका पूछ रहा हूँ, मेरी समरी समझ आ रही है? हाँ जी, कुछ कॉन्सेप्ट थे ना, because he had a vision of the tatalliya-ilahi, so this is all post the event. He is just sharing with us what he experienced, and then he is also analyzing it. इसको एक वो कुरान की आयत जो है कि हम तुम्हें निशानियां दिखाएंगे आफाक में और तुम्हारे अपने सोन में, यहाँ तक कि तुम जाहिर हो जाए कि क्या वो, तो वो निशानियां मुझे तगल्ली और तगल्ली में अभी तक जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है. तगल्ली इज द डिवाइन एनर्जी एंड तजल्ली इज द डिवाइन मैनिफेस्टेशन अप देयर, राइट? बात आप लेटर नहीं, बाय एक्सटेंशन दिस रियल में भी मतलब है कि तजल्ली ही फिर इस दुनिया में कमालात मैनिफेस्टेशंस तो हम इस तरह से देखते हैं कि तमाम चीजें जो हैं वो खुदा ही को जाहिर करती हैं. इस लेवल पे भी वो तजल्ली है, मगर ये पहले बात हो रही उस लेवल पे तजल्ली. इसलिए जात और सिफात के मकाम को में फर्क किया जाता है ना, जात है व्हिच इज अनमैनिफेस्ट, फिर सिफात है जाके उसकी इंफिनिट क्वालिटीज हैं, वो तजल्लियात आप कह सकते हैं, फिर वो वरना इस दुनिया में ऐसे किसी वसीले से जात आएंगी ना, फिर जो उन और वो वसीला चाहे वो तजल्ली है, वो वसीला चाहे वो तजल्ली है, यानी कि जिस के जरिए से अपने तजल्लियात को खुदा जाहिर करता है वो ये, हाँ वो तजल्ली है. वो तो कह रहे हैं यहाँ पे भी तजल्ली ही है, कि तजल्ली के लेवल पे भी जात तजल्ली के जरिए तजल्ली करती है, और तजल्ली के जरिए इस दुनिया में सेकेंडरी तजल्ली कहते हैं या वो मैनिफेस्टेशन इन द ग्रॉस सेंस. हर चीज में जाहिर खुदा की जात है, लेकिन वो देखने वाले की आंख जो है वो अगर उसको कनेक्ट कर सके, वो आरिफ जो के फूल में भी खुदा को देखता है, इसलिए उसको क्योंकि उसकी शान उसको नजर आती है खुदा के इस फूल में, जो नहीं देखता है उसको तो सिर्फ फूल ही नजर आएगा. ये भी ये तो ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं इससे, तो जिसको नजर आ रहा है, जिसको जिसमें उसको खुदा की शान नजर आ रही है, वो तजल्ली उसको नजर आ रही है, खुदा की तजल्ली को के वो मतलब उसकी शान जो है वो हर चीज में उसकी कैफियत जो है ना वो इंसान के नफूस में, इंसानों में, चीजों में, कायनात में, अपने नफ्स में, हर चीज अल्टीमेटली समझ बात सही है. जो कुरान की आयत यही बात कर रही है कि अल्टीमेटली हर चीज जो है वो तजल्ली है इलाही है. अच्छा जोड़ा है, तजल्ली है, तजल्ली है, तजल्ली है, तजल्ली तो वो डिवाइन पावर है ना व्हिच मेक्स इट पॉसिबल, राइट? आपको बुक एक रेफर की थी, उसके चैप्टर 2 और 3 में इसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया. उसमें मैं जो थोड़े से नोट्स ज्यादा डिटेल चैप्टर को पढ़ के लिख सकते वो हम फिर शेयर कर लेंगे ना चैप्टर ग्रुप में. उसमें वो कहते हैं कि जो कॉस्मोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो चार किस्म से वो डिवाइड कर रहे हैं. सबसे पहले इब्दा जो आपने नजर इस्तेमाल किया था बदी वाला, अच्छा, एक्स नहीं लो, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, उसको एग्जिस्ट करना, उसके लिए इब्दा लफ्ज इस्तेमाल हुआ. तो ये पहली प्रोसेस है जो हम कॉस्मोस में देखते हैं. दूसरी जो उन्होंने कहा वो है खल्क, के क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड, के आप मटेरियल चीज़ों से क्रिएशन को कंटिन्यू करना. फिर तीसरा जो डिस्क्राइब करते हैं वो है तदबीर, जिसमें है कि अल्लाह ताला की जो तदबीर है, हिकमत है, प्लानिंग. और चौथी वो तदबीर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी रिप्रेजेंटिंग गॉड्स कमिंग टू द रेस्क्यू व्हेन द यूनिवर्स और मैनकाइंड हैज रन इनटू ट्रबल. और वो फिर कहते हैं कि इट इज ऑफ मेनी पीरियड्स एंड फेजेस. और वो इवन कहते हैं कि कुरान का नाजिल होना ये भी एक तदबीर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना ये भी एक तदबीर है. और कहते हैं कि जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो दिस वाज द मिसाली फॉर्म ऑफ द तदबीर.
और तदल्ली के बारे में वो जो रेफरेंस है सूरत नजम, उसमें वो वर्ब है जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम डिसेंडेड, वो आसमान से डिसेंड हुआ, तो वो वर्ब इस्तेमाल हुआ तदल्ला, उसका मतलब है कि डिसेंड करना। तो ये उस इस कॉन्टेक्स्ट से और उसकी काफी एक्सप्लेनेशन है बुक में। और सर मैंने अगले मुशाहदे में यही बातें, अगला मुशाहदा है उसमें इस जैद से देखा गया, वो भी मैंने अंग्रेजी का अपना छोटा सा नोट शेयर किया, वो उसी में है। तो बिल्कुल आप सही कहा कि लिटरली द लव्ड इट्स फ्रॉम कमिंग डाउन, और अगर डिक्शनरी लुगत में देखें तो अल्टीमेटली कम डाउन के वो जो कुएं में डोल नीचे करते थे ना, उसका जो अरबी लफ्ज है अरबी जबान के वाले से भी नीचे, यानी कि एक तरह से जैसे कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में या जो भी इंसानों के साथ से उस मुशायदे में ऐसे ही डिफाइन किया है कि इट इज द डिवाइन विल टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड हिमसेल्फ, इट इज द डिवाइन इंटेंशन, सो दैट डिवाइन इंटेंशन देन टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ द डिवाइन बुक्स एंड द काबा एंड नमाज, ये सब उस डिवाइन इंटेंशन की फॉर्म है और उस डिवाइन इंटेंशन को तदल्ली का है। So once again, it is pre-manifestation. इधर उसको क्रिएशन में देखा है, तो once again, तजल्ली से पहले जो वो इंटेंशन पावर एनर्जी जो भी कहें, उधर जब पर्टिकुलर रिलीजियस फिनोमेनन को देख रहे हैं तो उसकी हकीकत को भी वो कहते हैं कि मैंने उस तजल्ली को देखा कि जिसकी फॉर्म डिफरेंट रिलीजन है और रिलीजन के अंदर सारी चीजें हैं। So it is, then he said that that is the divine intention, it has no form. And therefore it takes on different forms according to time, place and people. Bada khubsurat hai, bahut hi zabardast hai. Hamare tradition mein jo khas, jo high points hai, agar sab unme se hai, ke baat ki jad tak ja ke baat ki hai. Baat to unko to mili, unko to ye wahan pe मौका है मदीना में, ये वो तो वो हम अगले उस अगर पहुंचे हम तो अगले चैप्टर, तो ये कंफ्यूजिंग हो गया आई थिंक, मुझे बड़ा क्लियर लग रहा था, सब कुछ क्लियर हुआ। इसको फिर से बोलो, इसको मैं कहें तो रिवाइज कर दूं वन अगेन। सबसे पहले उन्होंने बताया कि तजल्ली वो इंटेंशन, वो डिवाइन will है, which causes manifestation. दूसरा कि as in connection to the created realm, that is non-formal, मतलब इसलिए उसको वाहिद कहा ना, जबकि creation में multiplicity of forms है, but he says that it envelops everything. इस तरह का भी लफ्ज इस्तेमाल किया ना, मैंने अपनी रूह की आंख से अल्लाह ताला की तजल्ली को देखा और वो मुझे यूं नजर आई कि एक शय वाहिद है। अब ये एक लफ्ज जो है बामानी है ना, इधर वाहिद वैसे बन नहीं कह रहे टोटली इटसेल्फ, यानी कि यूनिटी के मामले में एक शय वाहिद है कि अपनी जात में बाहर इत्तिसाल रखती है और सारे आलम में जारी और सारी है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, गोया के आलम उसके ऊपर एक पर्दा है और वो तदल्ली उसके अंदर है। तो वो ये वाला पॉइंट टू है, एक सॉर्ट ऑफ क्योंकि वो ही तो एक्सेंशिएट कर रही है, उसके जरिए तो खल्क हो रही है। तो ये एक पॉइंट था कि दैट लाइक 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 ओशन सराउंडिंग बबल, वो बबल उस ओशन की वजह से ही तो है, ओशन इंफिनिट है। आगे है कि बंदे का आलिम जो है वो उस बबल के बाहर उससे कनेक्शन बना सकता है, जब बना लेता है पीरों की आंख से, देन ही एक्सपीरियंसेस दैट ओशन, एंड देयरफॉर हिज पावर इज आल्सो स्पिरिचुअल पावर इज इंक्रीज। ये तीसरा कॉन्सेप्ट था, ये क्योंकि लिंक ही है ना, तदल्ली की बात हो रही कायनात के बनाने में, कायनात के अंदर और इंसान का उससे ताल्लुक, और चौथा
उसके फिर डिटेल देख रहे हैं कि उसका एक सिरा खुदा में है, दूसरा खुदा सिरा इंसान के नफ्स में, इसलिए खुदा और इंसान के बीच में कनेक्शन पैदा होता है। वो उसी रे को रिट्रेस करता है तो अपने उस इस्म तक पहुंच जाता है जिसने उस रे को प्रोजेक्ट किया था। सिंपल एक तो ये बात हुई है ना। इसी तरह से आप फिर आरिफ को जो है वो तसर्रुफ भी आप कह रहे हो कहां पहुंच गए। हाँ हाँ वो इससे रिलेटेड है, ये सफर का फिर डिटेल है, आप पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं कि वो बहुत से लेवल्स को क्रॉस करता हुआ जाता है। जहाँ पे वो उसका हाथ है, जहाँ पे खुदा कहता है कि मैं उसका हाथ हूँ, उसकी आँख हूँ, जी सब लिंक है, वन विद डिवाइन विल, ये सब उसी के वो लिंक है ना। अब ठीक है जी, बताएं बताएं, सवाल करें। नहीं नहीं ठीक है। अच्छा अच्छा तैमूर साहब, इसमें जो रेफरेंस पॉइंट है from the human side, वो उसको रूह की आंख बोल रहे हैं ना बार बार, जो जो reference point उसने रूह की आंख बनाया, और कोई उसने क्या कहते हैं चीज को describe नहीं किया, जैसे अब ये जो सारा उसके experience गुजर रहा है वो कह रहा है कि ये रूह की आंख से मैं experience कर रहा हूँ, जो जिस तरह भी हम उसको describe करेंगे। जी जी और इसमें रूह की आंख में अगर आप इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा आई एम ड्रॉइंग अ पैरेलल, ये बुक ऑफ सर्टेनिटी में द आई ऑफ सर्टेनिटी की बात होती है, इज दैट ये क्या वही पैरेलल ड्रॉ हो रहा है? ये आई ऑफ सर्टेनिटी जो है वो एक ह्यूमन परफेक्शन की स्टेट में मिलती है, नजर आती है या अटेन होती है। इट्स अ पावर व्हिच वी ऑल हैव व्हिच इज वी लॉस्ट ना। यानी कि इट्स अ पावर व्हिच इज बियॉन्ड रीजन। हाई प्यूरिफिकेशन में उसकी एक जो हाईएस्ट स्टेट है उसमें जाकर बंदा जो है डिस्क्राइबिंग दिस एक्सपीरियंस। बिल्कुल वो आपने सही लिंक किया, उसमें अरबी इस्तिलाह इस्तेमाल की है, एनुल यकीन की, हाँ जी, एन यानी आस्क और यकीन, आई ऑफ ट्रूथ द सर्टेनिटी, एनुल यकीन इधर उसको चश्मे, ये इन्होंने ट्रांसलेशन इस तरह की है, चीज तो वही बात हो रही है। आगे एक छोटा सा पॉइंट है, ये मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया, ये काफी यानी के पढ़ देता हूँ, काफी ऑब्वियस, मतलब इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये प्लेन उर्दू है। जाते हक जब बंदों की तरफ अपनी अजीम तरीन तदल्ली करती है तो उसका मुशाहिदा अगर रूह की आंख से हो तो ये अफराद कामलीन का मुकाम है, यानी कि जो औलिया अल्लाह है अगर वो अपनी उस हकीकत को रूह की आंख से देखना मतलब डायरेक्ट देख रहे हैं उस हकीकत को तो वो उनका मुकाम है, और अगर उस तदल्ली का इदराक यानी कि उसको जानना सिर्फ रूह के इल्म से हो तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें के अवाम भी शरीक होते हैं। ठीक है, हम चीजों को अपने इल्म के जरिए जानते हैं ना, पांच आवाज हमें इल्म देते हैं किसी चीज के बारे में, आगे जाके ये खुलेगा, अभी इतना जहन में बस रखें क्योंकि फिर इसकी डिटेल्स में आ जाएंगे, वो मुझे अभी समझ आ जाएगी, असल में इसकी डिटेल बयान करके जानने के दो तरीके हैं, एक हवास से और एक रूह की आंख से। जब आवाज से जानते हैं तो वो एक तरह का इल्म है ना, जबकि जब रूह की आंख से जानते हैं तो एक तरह का आपके साथ जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है उसके साथ एक यूनियन है, और उसमें फिर आगे और डिटेल बताएंगे कि उसमें एक तरीका ये है कि जो उसकी सोर्स है डिवाइन उसके से उस लेवल पे भी जाना जा सकता है चीज को, इसमें डिटेल आएगी। और इसमें मोटी मोटी बात यह है कि आवाज से जानना यानी कि इल्म है, और दूसरा कि उसकी हकीकत को जान लेना जो कि सिर्फ रूह की आंख से जानी जा सकती है, वो फिर काबिलियत का दर्जा है। इसमें मेरा सिर्फ नहीं है दोनों सर्टेनिटी और आई ऑफ सर्टेनिटी। हाँ
किसी चीज के बारे में कह सकते हैं कि नमाज है, हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें बताया गया कैसे पढ़नी है, ये जरूरी है। तो जो हुजूर ने कैसे पढ़ते हैं कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मेराज है और मानदे तो मेराज नहीं है, अब वो कामलीन के लिए मेराज है, यानी कि उसमें भी बहुत व्यक्त है। बड़े बुजुर्गों ने क्या चीजें उसके एक एक मूवमेंट के पीछे राज है और लिखते हैं, इमाम गज़ाली ने लिखा है और उन्होंने लिखा है सब बुजुर्गों ने, कि वो असल में कुछ हकायक की काशी करती हैं मुख्तलिफ एंगल से देखा लोगों ने, इबादत एक तरह से इबादत करना क्योंकि खुदा का हुक्म है। हमारे लिए इस तरह करते हैं, हमें नहीं पता क्यों करते हैं। उन लोगों ने उसकी हकीकत पा ली कि जब वो सजदा करते हैं तो वो फना एक्सपीरियंस करते हैं, जब वो जलसे में बैठते हैं जुलूस तैयार करते हैं तो उनके लिए वो बका होती है। तो बका का जो मकाम है इसलिए वो डायरेक्टली हजूर से मुखातिब होते हैं, अता यातो लिल्लाह अस्सलातो तैयबातो अस्सलाम अलैका अय्युन जो अंबिया है उनको सलाम भेज रहे हैं और जो नेक रूह है उनको सलाम भेज रहे हैं, यानी कि जन्नत का मुकाम में पहुंचे हुए हैं। उससे पहले अपने अस्सलाम अलैना अपने आप को भी सलाम, उसके भी मिस्ट्री है, मगर यानी कि यहाँ डायरेक्टली सालहीन की अरवा से बुजुर्गों ने कहा है अल्लाह आलम कि ये भी जन्नत की बात हो रही है, इसलिए वो डायरेक्टली हुजूर को भी सलाम भेज रहे वगैरह वगैरह। आज हो गई ना, इधर छोटा सा एग्जाम्पल है। और ये जो लॉ ऑफ सर्टेनिटी है इसको आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं? इल्मुल यकीन, इल्मुल यकीन का ही ट्रांसलेशन क्या होता है? इल्मुल यकीन आप खोल दे हम कहाँ पहुंचे जी, अब इसको जरा सा खोलेंगे, ये दो तरह की नोइंग्स हैं, अभी फिर से पढ़ लेता हूँ। और अगर इस तजल्ली का इदराक सिर्फ रूह के इल्म से हो तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें के अवाम भी शरीक हो सकते हैं। इसी तरह इस तजल्ली की बात अगर रूह के कानों से सुनी जाए तो ये कामलीन का मकाम है, लेकिन अगर रूह महज अपने इल्म के जरिए तजल्ली के कलाम को सुने तो इस चीज में अवाम भी शरीक हो सकते हैं। अब यहाँ हम रोक देंगे या इसका मैं सिर्फ इस को समरी पेश कर दूंगा, अगली दफा डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी समझ आएगा कि ये जो छोटा सा लिखा है ना आगे इसी की एक्सप्लेनेशन के फिर इसलिए वो कहते हैं कि मालूम होना चाहिए कि जिस तरह हमारे बदन के लिए जाहिर में आंखें कान और जबान है, इसी तरह हमारे नफ्स नातिका की भी बातिन में आंखें कान और जबान है। जो पिछला थॉट था वो आगे एक्सप्लेन किया के रूह की कैसे है कान वो उस पर फिर आगे अगले सेक्शन में उस पर बात है। आप कहें तो उसका मैं ये बना देता हूँ ताकि जब आप पढ़ें तो आपको ज्यादा मैं ये नहीं पढ़ूंगा, उसकी समरी बना देता हूँ। तो बल्कि फिर ये सातों पॉइंट्स कर देता हूँ, ये नियरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर थॉट आई विल प्रेजेंट, तो टाइम भी हो जाएगा, सवा सात हो जाएंगे इंशाल्लाह। Number 6 is senses of the body and senses of the soul. Nafs-e natika. ये अभी बात होगी, है ना? अभी जो बात हुई है। वो जो eye of the heart की थी। नहीं ये वो बात नहीं। ये वो बात नहीं। ये थोड़ा सा और थोड़ा। अच्छा। लर्न और जनरल बात है ना, हम उसकी थोड़ी सी डिटेल में जा रहे हैं, उसको कान आँख नाक और इस तरह का सिंथेसिस है, तो आप फिर उसका एनालिसिस करें तो बहुत खुल जाता है। सो सोल इज आल्सो कॉल्ड द नफ्स नातिका द रैशनल सोल। अब उन्होंने इसलिए ये लिख देता हूँ इसके आप नफ्स नातिका के नफ्स से नफ्स नफ्स लिख रहा हूँ नातिका में लिख दूँ चल कि फिर उन्होंने कहा दो हिस्से हैं लतीफा कयूमिया लतीफा सकल कहते और नस्मा, ये क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग है जब ऐसे डायग्राम में आते हैं तो जरा क्लैरिफाई हो जाता है। नस्मा उन्होंने कहा एरी स्पिरिट जैसे कि सोल कह सकते
वरना उसको रूह हवाई ना कहते, रूह नूरानी है वो स्पिरिट है और जो रूह हवाई है वो सोल है, साइकिक सब्सटेंस कह लो। फिर इसके आगे बताया कि जानते कैसे हैं, ये जो नफ्स है ना, नस्मा है, ये चीजों को आइदर इनका इल्म हासिल करता है कि उसके अंदर जो सोर्स चीजों की हकीकत तो सोर्स में है ना, उसके अंदर उसका एसेंस या उसकी नॉलेज आ जाती है चीज की, और दूसरी तरफ इसमें ये पार्ट, दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ नोइंग आई थिंक दैट व्हाट यू मीन, द अदर इज फॉर देयर टू बी इत्तेहाद और यूनियन विद द नोन। What did you write on the top? Nasmi? Nasmat, wo, uska naam hai na? Haan, aur wo uska, ek. Upar hai, Latifah-e Qayyumiyah-e Ilahi. Latifah-e Qayyumiyah-e Ilahi. Haan, isme tha ke, isme ek normal, I think, tarika jaanne ka dusra, wo spiritual tarika hai. Aage, unhone kaha ke, this then, senses of the soul ये कह रहा है इसको, नस्में का soul's vision of God is in this, whereas the all right, ये मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि इधर मैंने इसको complete नहीं किया। I would imagine कि इससे वो spiritual shared vision होता होगा, तो इसका भी पढ़ता हूँ। मालूम होना चाहिए कि जिस तरह हमारे बदन ये तो हो गया बातिन में, इसकी तफसील ये है कि कुदरत की तरफ से इंसान के अंदर दो लतीफे रखे गए हैं, एक लतीफा कयूमियत इलाही का है जो बदन से ताल्लुक रखता है, और वो इस तरह कि वो बदन के अंदर घुलूर किए हुए है, मिक्स्ड है, लेकिन इस लतीफे को नस्मा यानी रूह हवाई से अलग चीज समझना चाहिए। रूह हवाई जरा लोअर है, दैट्स दिस human soul, ya substance, psychic substance. Maarifat-e ashiya ke silsile mein insaan ke is latife ke do rukh hain. Ye phir qayyumiyat-e ilahi wala jo badan mein sarayat kiye hua hai uske do rukh hain. Iska ek rukh to ye hai ke ashiya ki tamam suwar ka yani ki unki forms ka, surton ka, aqaid ka jo asal mabda hai jo ki upar hai, wahan se इस लतीफे पर एक मुजर्रद सूरत का फैजान हो। मुजर्रद कहते हैं प्योर एसेंस को, द रियलिटी ऑफ समथिंग, और इधर सुअर उस मानों में है ना। आगे चल के एक फुटनोट आएगा जिसमें वो ये कहते हैं कि चीजों के दो रुख होते हैं, एक उनका खारजी वजूद होता है और एक उनका रियलिटी या एसेंस होता है। वजूद जाहिर में होता है, उनकी जो जात या एसेंस होती है वो बातिन में होती है, उसको भी जहन में रखें। तो जो चीज की हकीकत है वो उसका एक एसेंस है या स्पिरिट है, उसको डायरेक्टली वो जान लेता है जो ऊपर है ना, खुदा के नॉलेज में। इस तरह किसी शय की मार्फत का नाम इल्म है। इस जिम में इस लतीफे का दूसरा रुख यह है कि इंसान का ये लतीफा एक शय की तरफ बढ़ता है और उससे इतिसाल पैदा कर लेता है। इस लतीफे का किसी शय से ये इत्तिसाल अगर कश्फ बसरी के एतबार से हो तो उसको नफ्स नातिका के इस लतीफे की बसारत कहेंगे। नाउ ही इज रियली टॉकिंग अबाउट द दोस स्पिरिचुअल सेंसेस, नॉट द आउटवर्ड सेंसेस। द आउटवर्ड सेंसेस आर प्रोबब्ली इन द नस्मा, व्हिच इज द नहीं कहा है आगे कुछ कहते हैं इसमें आ रही है, मुझे यही आज ही पढ़ा था, मुझे तो यही आता है, अभी पढ़ते हैं या इसके मैं फिर एनालिसिस अभी तो पेश कर दूंगा, आप भी पढ़ाइएगा। सब तो मुझे याद है, याद है।
अच्छा क्योंकि इसी लतीफे की बात हो रही ना, इससे फिर हायर स्पिरिचुअल विजन भी कह रहे इसी से होता है, इल्हाम भी इसी से होता है वगैरह वगैरह, जो लोग कहते हैं ना कि हमने खुदा को देखा, उसकी भी सोर्स ये है और उसके जरिए जो फिजिकल सेंसेस है उन पे एक अक्स पड़ता है, तो वो यहाँ तक कह देते हैं कि हमने आँख से देखा, जबकि सोर्स वो ये नस्मा है, विच इज स्पिरिचुअल विजन। ये बात आप पढ़िए ना, वो बहुत खूबसूरत है। चुनाचा बसा औकात ऐसा होता है कि इंसान की रूह अल्लाह ताला को देखती है और रूह की इस रूहियत हक का एक रंग नस्मे यानी इंसान की रूहे हवाई में आ जाता है, वही ना जो ह्यूमन सोल है वही नस्म, और नस्मे से ये रंग इंसान की आंख में आ जाता है, क्योंकि जो फिजिकल सेंसेस हैं दे नो थ्रू द नस्मा, अपने तो ये आंख क्या कर सकती है, उसमें जो पावर ऑफ नोइंग है वो तो सोल से ही आता है, और फिर ये रंग एक शक्ल इख्तियार कर लेता है इन द फिजिकल सेंसेस के सेंस में, और उस वक्त आदमी कह उठता है कि मैंने रब को अपनी आंखों से देखा। ये बड़ा खूबसूरत एनालिसिस है। वाकया ये है कि जो कुछ वो कहता है इसमें बेशक वो सच्चा होता है, चुनाचे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मतलबी है कि रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा, तो बात यह है कि आपका रब को देखना इसी कबील से था, इसी तरह था, और इसी तरह हजरत मूसा अलैहि सलाम का अल्लाह ताला से कलाम करना अभी उसी पावर ऑफ दूसरी वाली इनर जो है सो बोलने सुनने की ताकत। फिर अपना और क्या है कि रूह आफ्ताब से जो मेरा जी अगली दफा करेंगे, काफी खुल नहीं रहा, पहले तो नहीं समझ आ रहा था। अभी आप समझे इस टॉपिक को भूल जाएं, क्योंकि इसकी अभी डिटेल हमने उस तरह से एनालिसिस नहीं की, नस्मे वाले को हमें याद रहेगा तो भूलेंगे। अगर इसका अच्छा ये है, इसको जब पढ़ेंगे ना आपको समझ आएगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ क्लोज रीडिंग, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी, ऑल द सेक्शंस आर नॉट इक्वली इजी। क्योंकि अगला जो है ना, अपना वाकया बताते हो तो बड़ा मजे का है, सूरज की रूह से उसका जो वो तो समझ आ जाता है, वो टेक्निकल वाला है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है।